हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर रियल टाइम ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज है 17th of April और अभी टाइम हो रहा है 10:15। और मैंने यहाँ पे बनाई है कद्दू की सब्जी और अब मैं बनाऊंगी पराठे। तो कद्दू की सब्जी और पराठे अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं खाने में, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और दही खा लो साथ में तो और ही ज्यादा सोने पे सुहागा। हाँ, यही बोलते सेंस से। और अब मैं प्रिशा के लिए, अभी प्रिशा को नहलाया है तो प्रिशा के लिए मैं अभी बॉन्विटा बनाऊंगी, उसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी और मेरा ब्रेकफास्ट इस तरीके से हो जाएगा। और हाँ, आज एक स्पेशल डे भी है। आज जो है मुझे शानवी का जो है हेयर कट कराना है, फर्स्ट हेयर कट मुझे उसका करवाना है। तो वैसे तो लड़कों का मुंडन होता है, लड़कियों का कुछ खास नहीं होता, तो लड़कियों का इस तरीके से घर में या तो नाई के पास चले जाओ या नाई को घर पे बुला लो, तो इस तरीके से लड़कियों का मुंडन हो जाता है घर पे। तो देखती हूँ, अभी थोड़ी देर में कुछ मीठा बनाऊंगी और अभी बस ये सब कुछ है। तो आप लोग बताइए क्या क्या चल रहा है। और कल से मौसम जो है काफी अच्छा था, कल बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी और आज इसलिए थोड़ा मौसम ठीक है, क्योंकि अभी बीच में तो मैंने ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज मैंने मॉर्निंग में पानी जो है वो गर्म किया है थोड़ा सा। तो अभी देखो क्या होता है, क्योंकि शानवी को भी नहलाना है, सब कुछ काम है। तो अभी थोड़ी देर में हस्बैंड आने वाले हैं तो शानवी का हेयर कट हम लोग करवाएंगे। तो देखिए कैसा रहता है, आप लोग साथ में रहिए और इंजॉय करिए कि किस तरीके से मैं शानवी का हेयर कट कराती हूँ, कितनी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों का जब फर्स्ट टाइम हेयर कट कराते। सो फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया है रेडी और ये देखिए कद्दू की सब्जी और पराठे और मैंने ली है दही। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और इसमें हरी मिर्च भी आप अगर खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे जब भी कद्दू की सब्जी बनती है तो उसमें हरी मिर्च, मतलब अपने आप ही मन करता है कि यार कद्दू की सब्जी में हरी मिर्च भी हो तो बढ़िया लगता है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए थोड़ा नहीं खा रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। और ज्यादा मिर्च मसाले खाती नहीं हूँ क्योंकि शानवी को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, तो इसलिए मिर्च मसाले अवॉइड ही करती हूँ। और प्रिशा जो है दूसरे रूम में खाना खा रही है क्योंकि प्रिशा को देखना था छोटा भीम, तो आजकल वो छोटा भीम की दीवानी हुई है और छोटा भीम देखते देखते बोलती है मुझे खाना खाना है। मैंने कहा ठीक है तुम बाहर खाओ। ये कद्दू की सब्जी प्लेन मैंने नहीं बनाई है, इसमें मैंने डाला है गुड़ और इसमें डाला है मैंने आमचूर। वैसे आमचूर की जगह आप इमली भी डाल सकते हो। तो जब सब्जी पकने वाली हो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, यानी एक छोटी सी डली गुड़ की डाल दी और आमचूर इसमें डाल दो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का, बिल्कुल चटनी जैसे। अगर कद्दू बिल्कुल पकने वाला है एकदम से पक जाता है, क्योंकि कई कद्दू तो पकते नहीं है, कई कद्दू जो होते हैं चटनी जैसे पक जाते हैं, तो जब वैसा कद्दू है तो बिल्कुल चटनी जैसा टेस्ट आता है अगर आप इसमें गुड़ और आमचूर जैसे मैंने बताया वो आप डालोगे, तो बहुत ही खट्टी मीठी चटनी जैसी स्वाद आती है सब्जी में। और वैसी मैंने आज बनाई है, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। जब भी कद्दू बनाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ और आमचूर जरूर डालो, देखो आपको बड़ा बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे शानवी सो रही है अभी, तो मैं उसको भी देख रही हूँ, मेरी आवाज़ से मैं भी वो उठ ना जाए, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ नाश्ता। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात बताना मैं भूल गई कि ये जो टॉप है और ये लोअर है मैंने अभी रिसेंटली लिया है और ये मैंने परचेज किया था बिग बाजार से, तो मैंने इसका एक अलग से ब्लॉग भी बनाया है इससे पहले, तो आप मेरे चैनल पर जाके ब्लॉग देखिए, उसमें मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है और आपको आइडिया आएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा कॉम्बिनेशन भी और अच्छा लग रहा है ये टॉप और लोअर, तो आप देखिएगा कि मैंने क्या क्या और शॉपिंग भी की है और आप इस तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो मेरे चैनल पर ब्लॉग पड़ा है दूसरा शॉपिंग का, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है तो आप भी नाश्ता करिए और मैं कर रही हूँ नाश्ता। आपको कर्ड खाना है? हाँ मम्मा। मम्मा कर्ड इज गुड। वेरी गुड। पिशा को कर्ड अच्छी लगती है ना? पिशा को कर्ड बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को कर्ड खाने भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और कैल्शियम तो होता ही है, हाई प्रोटीन होता है इसमें, मतलब इससे जो है अब बच्चों के जो हेयर होते हैं वो भी अच्छे रहते हैं और सिल्की साइन भी रहते हैं। मतलब कर्ड खाने से जो है
कर्ड खाने से बाल अच्छे होते हैं। तो प्रिशा के बाल देखिए कितने अच्छे हैं, सुंदर सुंदर से। तो प्रिशा आप बातें करना चाह रहे थे ना कुछ? हाँ। तो बताओ फिर, बोलो। सब बोल रहे हैं कि प्रिशा कहाँ है कहाँ है। अच्छा यहाँ हो, मैंने सोचा कहीं चले गए। अच्छा सुना दो फिर, कुछ से सुना दो। गाइस आज मैं सुनाने वाली हूँ पोयम। ओके। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन ओ पी एन आर पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जी नाउ आई नो माय ए बी सी नेक्स्ट आई नो माय सिंग और आपको गाना कौन कौन से आते हैं? पोएम भी आती है? 1 2 3 4 भी आता है। आता है? अच्छा बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस? हाँ। ओके आगे नहीं आता? और क्या आता है? 61 62 आते हैं? हाँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। और क्या आता है? 62 63 64 65 67 68 69 20 थोड़ी होता है वो, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के बाद 20 होता है। 69 के बाद होता है 70। और आपने गलत बोला, आपको बोला था 11 12 13। ठीक है कोई बात नहीं, 11 12 13। और आगे कोई बात नहीं, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Yes, very good. और आपको कोई सॉन्ग भी आता है, डांस आता है आपको? हाँ। जरा करके दिखा दो, सब बोल रहे कि प्रिशा का डांस देखना है। और कल आप शॉपिंग में गए थे? हाँ। कल थोड़ी गए थे, परसों गए थे। The day before yesterday. Yes. Okay. What did you bring from there? Chocolate milk. Chocolate milk? Okay. और अभी बस प्रिशा के पापा आएंगे तो हम सानी का हेयर कट करते हैं। तो व्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ। अभी तो वो छोटी है। अभी क्या खेलती होगी आपके साथ? दे दे आंटी को, दे 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 आंटी को, नहीं दे नहीं देना नहीं देना, बच्चों को समझ में आ जाता है कि नहीं देना तो नहीं देना। कितना टाइम लगेगा भैया? ओनली 5 मिनट। गुड। आपकी सिस्टर टक्कू हो जाएगी है ना? अच्छा मिनियन हो जाएगी। पर्पल मिनियन थी ना, अभी कैसी मिनियन हो जाएगी? बताओ। येलो मिनियन हो जाएगी। अभी आपके बाल सबके सब उठ जाएंगे।
पीछे क्या हुआ? अच्छी लगी बेबी? शानू, हाँ एक मिनट शानू। और ये शानू का हो गया है हेयर कट, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बच्चे हेयर में भी अच्छे लगते हैं और हेयर कट करा के भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो शानू का हो गया है सेफली हेयर कट, और भैया ने बहुत अच्छे तरीके से शानू का हेयर कट किया है, बिल्कुल भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और शानू ने बहुत आराम से करवाया है। तो ये हो गया आज शानू का हेयर कट, हो गया शानू का मुंडन, ये सानू का गया मुंडन। सानू इज लुकिंग सो क्यूट। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही के साथ हल्दी मिलाई है, और इसको मैं शानवी के सर पे लगा लूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, और दही भी जो होती है बच्चे के हेड के लिए अच्छी होती है। तो ये मैं शानवी के सर पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ। जैसे हमारे यहाँ मुंडन होता है ना, तो हम लोग उसमें भी बच्चे के हल्दी और दही से जो है मुंडन कराते हैं, यानी कि बाने देते हैं बच्चे को। बच्चे को बाने देते हैं? हाँ, बच्चे को बाने देते हैं, पूरा वैसे होता है जैसे बांध होते हैं, बांध देते हैं शादी के टाइम। हाँ, जैसे शादी के टाइम होता है वैसे होता है। साना। और ये लग गया है हल्दी और दही सानी के सर पे, थोड़ी देर में से रखूंगी और फिर इसके सानी को जल्दी से नहला देंगे हम लोग। सानू सानू सानू, दादी को दादी को दादी नहीं बोल पाएगी, ये नहीं बोल पाएगी, नहीं अभी छोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी तभी ये बोलेगी। मेरा गंजू पटेल, मेरा गंजू बाबा, गंजू, अरे गंजू बाबा, ये संजू बाबा तो नहीं बन गया कहीं? तुम लोगों ने क्या मैस कर रखा है प्रिशा? क्या कर दिया आपने? चलो इसे सही करो सारी चीजें, यहाँ पे क्या गंदा कर दिया आपने, चलो सही करो। ठीक है, कर दिया मैं चनू। डम 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 डम। अच्छा प्रिशा बजा के दिखा दो इसे, ओए बजा के दिखाओ जल्दी से, फिर मम्मा खाना बना दिए। हाँ रुको ना, इसको पकड़ो। आप क्या कर रहे हो? ओके, करके दिखाओ जल्दी जल्दी दिखाओ। हाँ ओके, वेरी गुड। और ये शानू को देखो, और ये देखो टिकटॉक क्वीन को। बस ही बोला, जहाँ भी टिकटॉक के गाने बजते हैं और शानू मैडम जो है टिकटॉक देखने के लिए तैयार हो जाती है। शानू, अरे मम्मा को भी तो देखो, गंजू मेरा, अरे मेरा गंजू। और शानू के सर पे मैंने अभी मलाई लगाई है, देखते हो। और ये देखिए
लंच की तैयारी हो गई है। मैंने यहाँ पे दाल बना ली है, अरहर की दाल बनाई है प्लेन जैसे बनाते हैं शॉर्ट में, और चावल मैंने चढ़ा दिया है। और ये देखिए ये क्या है, गैस करिए, इसे कहते हैं चोखा। अरहर की दाल जब उबल रही थी हाँ, तो उस टाइप पे मैंने इसमें डाल दिए थे 3 आलू, और आलू जब उबल गए थे अरहर की दाल के साथ तो अलग से निकाल के मैंने इसको प्याज टमाटर और लेमन के साथ मिक्स करके ये चोखा बनाया है, और बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा नमक मिर्च जो भी आपको मतलब इंग्रीडियंट्स डालने हो जो चटपटे होते हैं तो वो डाल के ये तैयार किया है। तो कभी सब्जी ना हो तो जल्दी से ये बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। तो वो बनाया है ये, और बनाया है बूंदी का रायता। तो बूंदी का रायता अपने फ्रिज में रखा है। तो हो गई है लंच की तैयारी, और मौसम देखिए बाहर मौसम काफी अच्छा हो गया है, और काफी दिन से जो है मौसम ठीक चल रहा है क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और धूप जो है कम कम है, क्योंकि गर्मी नहीं हो रही है। कल भी मौसम काफी अच्छा था, ठंडा ठंडा था। तो बस सानवी के सर पे मैंने तेल लगा लिया था अभी कोकोनट ऑयल, और उसके बाद मैंने उसके सर पे लगाई थोड़ी सी मलाई। कहते हैं कि मलाई लगाने से जो है जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं, मुलायम आते हैं। तो मैंने उसके सर पे मलाई भी अप्लाई कर दी थी। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके दिन तक का काम जो मैंने आज किया। और प्रेशर भी कह रहा है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल पूजा रियल टाइम ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो, और बेल बटन को प्रेस करो नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं रोजाना नए नए ब्लॉग्स इसमें डालती रहती हूँ। और ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी इंजॉय करिए, लंच करिए, और ठीक है फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।